मोदी के सामने ममता का भयानक सरेंडर, शाह के सामने झुकाया सिर, लेकिन माजरा क्या है? नीतीश भागे भागे फिर रहे हैं, केजरीवाल का भी सरेंडर, ममता तो गुड़िया बन गई, किसका डर है? राहुल को जेल होगी, ममता मोदी के साथ आई, क्या देश में विपक्ष का अकाल पड़ने वाला है? ये दो तस्वीरें देखिए। दो दिन पहले ममता दीदी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई और फिर एक बुलावे पर नीति आयोग की बैठक में फौरन पहुंचना। क्या विपक्ष की शेरनियां पीएम मोदी के इशारे पे चलने लगी? केजरीवाल कुछ दिन लड़ते हैं फिर हांफने लगते हैं, राहुल को भी कभी जेल हो सकती है। फिर सवाल उठता है, क्या मोदी का कोई विरोधी नहीं बचेगा? ममता का मोदी के सामने सरेंडर किस बात का संकेत है? क्या होने वाला है? हम चौंका देने वाली रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। हमारी समीक्षा पसंद आए तो रिपोर्ट को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। एक दौर ऐसा भी रहा जब ममता बनर्जी से उद्धव ठाकरे ने पूछा था, दीदी डरना है या लड़ना है? तब ममता ने कहा था लड़ना है। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी डर गई? उद्धव की कुर्सी का सदमा, बंगाल में बगावत का डर, या अमित शाह की टीम सीबीआई और ईडी के पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो डरने पे मजबूर कर रहा है? 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी लगातार सीएम है, लगातार किसी कुर्सी पे बैठने वाले के नीचे कई राज दफन होते हैं। क्या किसी राज का पता मोदी शाह को लग गया जिससे ममता ने अचानक सरेंडर कर दिया? यानी जो होने वाला है उसका इशारा साफ है। मायावती की तरह बंगाल में ममता बनर्जी का 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट होगा। मोदी एक इतिहास रचना चाहते हैं और उसकी एक शुरुआत है। साल 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 403 सीटें मिली, ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बीजेपी ये आंकड़ा हासिल करना चाहती है जिसमें बंगाल का एक बड़ा रोल होगा, इसलिए ममता की कुर्सी के नीचे दफन फाइल को खंगाला गया होगा। यही कहानी बिहार में रची जा रही है, यही कारण है कि राहुल को जेल भेजा जाएगा। हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि राहुल को जेल भेज बीजेपी छोटी पार्टियों को डरा देगी, रास्ते में आए तो यही हाल होगा और फिर 400 सांसदों वाला लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर आपको हमारी बात गलत लगती है तो हम आपको 2020 की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी इसके लिए दक्षिण में मेहनत कर रही है और तेलंगाना इसकी सबसे बड़ी गवाही देता है। 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें केसीआर की पार्टी यानी टीआरएस को ही मिली, लेकिन बड़ी बात ये रही कि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर वैसे की एआईएम को भी पछाड़ दिया था। एआईएम को 44 सीटें ही मिली और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में तेलंगाना में भी कोई बड़ा खेल करने वाली है। आप जानते हैं पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत कितनी खराब है, फिर भी मोदी वहां कोई मौका नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें 400 पार सीट चाहिए। पंजाब में भी निगाहें टिकी होती हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, करीब करीब सभी राज्यों में ईडी का कंट्रोल अमित शाह के पास है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको सरेंडर करना होगा और इस लिस्ट में शेरनी का नाम सबसे पहले आ गया। ममता के झुक जाने से अखिलेश यादव जैसे नेताओं का क्या होगा जिन्होंने मोदी और शाह को गुजरात के दो गधे तक कह दिया था? यही खेल चलता रहा तो देश में एक दिन भयानक विपक्ष का संकट आएगा। विपक्ष नहीं होगा तो देश कैसा होगा? सरकार क्या करेगी? बीजेपी उन कानूनों को पारित कर देगी जो संसद में आज तक कोई पेश नहीं कर पाया। आरक्षण हो या फिर जनसंख्या कानून, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एक देश एक चुनाव भी करवा सकती है। जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन ने कानून बदल दिए, वैसे भारत में मोदी भी बदल सकते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में एक सेक्युलर शब्द यानी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, मोदी उसे हटाकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। यानी ये सिर्फ ममता का झुकना भर नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना है जो भविष्य में घटित होगी, फिर उस वक्त के लोग लिखेंगे। या आप सरल भाषा में कह सकते हैं, दुनिया के टॉप 10 ताकतवर नेताओं को देखे तो पता चलता है जब तक वो रहे विपक्ष को घर बैठना पड़ा। पुतिन जैसा नेता तो विपक्ष का नाम ही मिटा देता है। क्या अब वो इंडिया में होने वाला है और सरकार हर कानून को चुटकियों में पास करवा लेगी? विपक्ष सिर्फ नाम का रह जाएगा, न राहुल गांधी, न ममता बनर्जी, न अखिलेश यादव और न ही कोई केसीआर। नाम सिर्फ एक नेता का होगा, उनका नाम मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।